सावन सोमवार के दिन रायपुर के प्रसिद्ध अनुपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स में ग्रीन डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। अनुपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के संस्थापक ने सबसे पहले प्रदेशवासियों को सावन सोमवार की बधाई दी और कहा है कि पूरे परिवार के लोगों ने तय किया कि आज का दिन हम सावन उत्सव के रूप में मनाएंगे। हमने हरिहर हमारे छत्तीसगढ़ की थीम पर हमारी संस्था की पूरी टीम ने हरा रंग का कपड़ा पहनकर ग्रीन डे का सेलिब्रेशन किया और साथ ही शिव भक्ति का कार्यक्रम रखा। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन सोमवार का दिन है वो महान शिव जी का त्यौहार है। इसकी मैं सबको पहले तो पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि बहुत बहुत आज सावन सोमवार जो कि आखिरी सोमवार है सावन का उसकी बधाई है। और इसी को देखते हुए एटी परिवार ने और पूरे लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज के दिन हम सावन उत्सव के रूप में मनाएंगे। और जैसा कि हमने कहा है छत्तीसगढ़ हरिया हमारा छत्तीसगढ़ इस थीम के ऊपर आज हरा पूरी थीम लिए और इस थीम के ऊपर सभी हमारे जो कलीग हैं साथ के मेरे साथी हैं इन सब ने मिलकर आज इतना जो वैल त्रीन दृश्य में है उसका उनको आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ शिव भक्ति का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। साथ में जैसा आप देखे हैं बाहर मंदिर का आज उन्होंने एक छोटा सा निर्माण किया है और उसके सभी हमारे पूरे एटी परिवार मिलकर आज इसका अभिषेक पीछे कराने के लिए तो ऐसे भी अनुपचंद त्रिलोकचंद का एक विश्वास है। जैसा कि आप तो सबको मालूम है कि अनुपचंद त्रिलोकचंद साल में कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी जहां भी मौका मिलता है खुशी लेने का उसको खुशी लेने की पूरी कोशिश करता है। और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया है उसी परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। और साथ ही साथ जहाँ रहा आपने अनुपचंद त्रिलोकचंद अपने आप में पारदर्शिता के मामले में रेट के मामले में या फिर गुणवत्ता के मामले में अपने आप में सब जन से जो महत्व देते हैं उनके लिए भी मैं ग्राहक बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ।